सुंदरगढ़ सहर बिजुली बंधर विकास डीएमए फंड रु खर्च हेब 31 कोटी टंका। ए हेउची पोखरी सौंदर्यकरण प्रशासन प्रस्तुत करथिबा मॉडल लो ब्लूप्रिंट रो चित्र। पोखरी चारिपाखरे एमिति ढंगरे तयारी हेबो साइकिल ट्रैक, म्यूजिकल फाउंटेन सह पिलांका पई खेलिबा स्थान और नाटक प्रदर्शन पई थिएटर भी हेबो। एथिपई काम आरंभ होई पोखरी खोलिबा पई कोटिया कोटी खर्च होइथिबा बेले पुणी पोतिबा पई आउ 2 कोटी खर्च होइछि। एबे देखंतु खणि अंचलर चित्र। सबुबेले खणि अंचलर धूलिधुआं खाउथिबा ए दमाळु गांर लोके पीबा पानी पई ए कोरडी नाळा उपरे निर्भर करुछंती। पाखरे चिकित्सालय नाही, गाँव को भल रास्ता टीए भी नाही। पहाड़ ऊपर सिंह बस्ती तो बिजुली भी नाही। अपपुष्टर शिकार होई गाँव दुईटी पिला अकाळर चलीगले। हेले ए पछुआ गाँव विकास कथा भूली एपटे किंतु पोखरीर विकास पाई डीएमए फंड रु कोटी कोटी टंका खर्च करुछि जिला प्रशासन। शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन सारा विपर्यस्त अच्छे। आंबुलांस सेवा एवं अनेक गाँव को पहुँची पार नहीं, विद्युत सेवा नहीं, नेटवर्क प्रोब्लेम अच्छी, शिक्षक बहुत अभाव अच्छा। यही परिस्थिति रे आम वास्तविक यहाँ गोटे आम प्रश्न बाची जे डीएमए पांठि कहापाई खर्च हो पूर्ण मात्रा में देखा तो डीएमए फंड रि विपुल मात्रा दुरुपयोग हजार हजार कोटी टंका केवल लोकों ना हरिलुट कराई। केन्द्र सरकार या आईदर सीबीआई इनक्वारी करूँ कि सीएजी ऑडिट करूँ जहाँफल लोकलोचन को आसव सत्यासत्य जना पड़ो। प्रशासन एभली निष्पत्ति को नहीं साधारण लोकों ठार आरंभ कर विधायक पचार प्रकृत डीएमएफ रि कापी एवं नजर पका डीएमएफ रु खर्च होता आउ कि प्रकल्पर बास्तवता उपर यह हो। सुंदरगढ़ सहर वाटर फिल्टरेसन प्लांट पानी को विशुद्ध कर लोकों जोगाई देवा डीएमए फंड रु खर्च हो 4 कोटी टंका। 2019 रु काम सरी हेले तयारी परे या फाटी जिवारु प्लांट लोकों काम आसुना ना ये पानी विशुद्ध होना लोके यार सुफल पाउछंती। सुंदरगढ़ बाईपास रोड विकास पाई डीएमए फंड रु खर्च हेबो 56 कोटी टंका। प्रति एक मीटर रास्ता पाई खर्च हो 8 रु 10 लक्ष टंका। हेले बुद्धिजीवी अभियोग कोल करिडर हेबा परे ए रास्ता व्यवहार उपयोगी हेबो नाही। जे बिजुली पोखरी विकास पाई प्रशासन एटी 31 कोटी खर्च करुछि, राउरकेला रे समान धरणर पोखरी सौंदर्यकरण पाई मात्र 11 कोटी खर्च होउछि। एबे देखंतु डीएमए पांटर खर्च करा जाय आसीथिबा ए गाडीर अवस्था को खत खाउछि लक्ष लक्ष टंकार गाडी। कोइडा अंचलर अळिया आवर्जना सभा पाई ए गाडी किणा जायथिला किंतु वास्तवता आपणक आखि सामनारे। डीएमए फंड अपव्यवहार नहीं अनेक बार अभियोग करने सीएजी ऑडिट दाबी करछन्ती कमिटर सदस्य तथा विधायक शंकर ओराम। सीधा सीधा तृतीय महलारु तांकर इंस्ट्रक्शन अच्छी तृतीय महला अनुसार काम करछन्ती। जेहेतु तांकु प्रोटेक्शन पूरा दिया होछि सब प्रकार सरकार तांकु प्रोटेक्शन दउछन्ती सेथिपई एठिकार खाली मोर कथा नहु कोनोसी पॉलिटिकल पार्टी किबा लोकंकर कथा सुनबा पई से तयार नहुंती। स्टी मेंबर हेला परे परे प्रथम आम जो रेजल्यूशन करूँ से रेजल्यूशन अनुसार काम है मीट में आम गुड़ा जिनस विरोध कलुजे आमको न जनाए कि कौन कार्य होगा कथ नुह जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइंस डिपार्टमेंट जो गाइडलाइन अच्छी। सुंदरगढ़ टाउन जी फिल्टरेसन प्लांट होती 5 कोटी टाँह बिजली बंद खर्च होते कोटी टाँह रास्तार खर्च होते कोटी टाँह जदि आप मैनेज कर पार ना हजार हजार कोटी टाँह केमती मैनेज कर सुंदरगढ़ टाउन बाहर रही सुंदरगढ़ टाउन आप आखि तले आप नाक तले ये सब प्रकार मंत्री आसएलए आसूडीसी चेयरमैन मुख्यमंत्री भी आठ अवस्था गाँव रहा भाई नि। सुंदरगढ़ जिले में खणि प्रभावित अंचल विकास आसी 3432 कोटी टंका। गाइडलाइन कहि खणि प्रभावित इलाकार सीधा प्रभावित होता लोकों विकास डीएमएफ र 60% अर्थ खर्च हो बाकी 40% परोक्ष भाव प्रभावित अंचल खर्च हो किंतु सहर पोखरी पर कोटी कोटी टंका खर्च होता बेले खणि अंचल लोकों कथा पासोरी देसी जिला प्रशासन। तेब एने कैमेरा सामने किंतु जिलापाल मुह खोलुना खणि अंचल विकास बदल बिजुली बंधर विकास लगि पड़ी जिला प्रशासन। बिजुली बंध को खोलियापी खर्च कले कोटे आतीवापी खर्च कले 2 कोटी एवं आहरी 31 कोटी खर्च हो कहते। बिजुली बंधर व्यवराद को देखी एवं प्रश्न प्रकृत डीएमएफ कापी। सुंदरगढ़ कैमरामैन उपेन्द्र और हेमंत सागर पट्टनायक शांतिभूषण मिश्र अर्गस न्यूज।